आपने कोरोना के नाम पर ये सब अध्यादेश कर दिया और बिल लाए, किसी से कोई पूछा नहीं आपने। आप केवल अपने जो बीपी का है भारतीय मजदूर संघ, उससे ही डिस्कशन कर लिया, वो भी नहीं पूछा। आखिर क्या कंपल्स है, क्या पूरी है? भूपेंद्र जी बोल रहे थे कि देश की जीडीपी में एग्रीकल्चर का 12% हिस्सा रह गया। हम आजाद हुए तो 50% था, 14 में लगभग 17-18% था। तो 14 से तो आपकी सरकार है, फिर ये 5-6% जीडीपी में हिस्सा कम कैसे हो गया? आपको मालूम है 84% का किसान मार्जिनल है, 3 एकड़ से कम उसके पास जमीन। आपने कोरोना के नाम पर ये सब अध्यादेश जारी, ये बड़ी अजीब स्थिति है। आप किस तरह की बात करते हैं? समानांतर मंडियां हो जाएंगी। आप ये बताइए कि अभी मंडी शुल्क से राज्यों को पैसा मिलता है, वो जब कम हो जाएगा तो उसकी क्षतिपूर्ति आप कैसे करेंगे? कोई मैकेनिज्म जो है आपकी? गगन ध्वजा फहराने वाले इसी घाट पर आए और बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए। इस सत्य को, जीवन के इस मर्म को समझिए। सत्ता में नबी रहे और रहे भी, तब भी जब 10 साल बाद आप गांव के सब खेतों की मेड़ों पर जाएंगे तो टूटी ही मेड़े आपसे पूछेंगी कि जब हमारा गला काटा जा रहा था तब आप संसद में क्या कर रहे थे। उदास दल के गांव के ये पूछेंगे, उनके चेहरे जो अभी खिले रहते हैं वो मुरझाए चेहरे ये पूछेंगे कि जब हमारा डेथ वारंट निकाला जा रहा था संसद के जरिए तो आप संसद में क्या कर रहे थे।